अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज के वीडियो में जो है मेकअप चैलेंज होने वाला है। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो बताती चलूँ कि 10 मिनट मेकअप चैलेंज होगा, क्योंकि 5 मिनट में तो भाई हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो टाइम लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले आपने अपने स्किन को जो है वो अच्छी तरह से टोन अप कर लेना है। टोनर मैंने लगाया है मारियो बटेस्क्यू का, उसके बाद जनाब प्राइमर लगाएंगे ब्यूटी फॉर आमना का, और उसके बाद हम लगा देंगे मॉइस्चराइज़र। के लिए आप कोई भी जो है लगा सकते हैं, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो जिप्टन क्रीम है ना भाई, मुझे ये इतनी पसंद है ना, ये इतना अच्छा आपके फेस को मॉइस्चराइज़ कर देती है। और इसके साथ जो आपके छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं ना रैश, जिससे धूप पड़ने से रैश मुझे हो जाती है सेंसिटिव स्किन की वजह से, तो ये वो रिमूव कर देती है। अगर आप रात को लगा कर सोते हैं ना, तो इतनी आपकी स्किन जो है वो मुलायम कर देती है भाई। मेरी स्किन बहुत सुपर डुपर जो है ना सेंसिटिव है, ड्राई स्किन है, और मैं वही चीज़ बताती हूँ कि जो मेरी स्किन पर, मुझे बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है भाई। फ़ौरन से रिएक्ट करना होता है प्रोडक्ट ने मेरी स्किन पर, तो मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना जो मेरी स्किन को बड़ा स्मूथ और बड़ा मतलब मुलायम सा रखे, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, उसके बाद कंसीलर लगा लिया रेवोल्यूशन का। फाउंडेशन कौन सा था भाई, आप कोई भी लगा लें, तो मेरे पास जो था मैंने वो लगा दिया। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, और लव जोहा का ब्यूटी ब्लेंडर है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये वाला। अच्छा, इसको मैं स्प्रेड कर लूँगी ब्रश के साथ, उसके बाद ब्लेंड कर लूँगी। या इतना मतलब आप देखें, आप मेरी स्पीड चेक करें, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 5 मिनट में मुझे तो होने नहीं वाला, तो फिर मैंने सोचा कि यार 10 मिनट रख लेते हैं। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, देखें आगे टाइम थोड़ा सा, वो बस थोड़ा सा शिशके मारते हुए टाइम निकल गया, लेकिन 10 मिनट में मेरे ख्याल से पूरा हो गया मेकअप। आप लाजमी एंड तक देखिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं 10 मिनट में मेकअप कंप्लीट कर सकी हूँ या नहीं, और आपको मेकअप कैसा लगा ये भी लाजमी बताइएगा। अपने फीडबैक जो है ना खुले डुले दिया करें, कोई मसला नहीं है। अच्छे बुरे बातें जो होती हैं ना वो सिखाती हैं कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फेस पाउडर भी लगा लिया। मैं अपने आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी, मिनीसो से ली थी मैंने ये आईब्रो पेंसिल, मतलब अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, गुजारे लायक है, बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। अब मैं देखे फिलअप करूँगी, यहीं पे इतना टाइम लग गया, और भाई वो जब फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ना, मैंने कहा नहीं यार जब फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कि 10 मिनट में मेकअप हुआ कि 5 मिनट में मेकअप हुआ। लेकिन ये वीडियो 10 मिनट की ही है, मतलब 10 मिनट्स मेकअप चैलेंज है ये, ठीक हो गया। तो अब मैं मतलब यहाँ पर हम लोग फिलअप कर लेंगे। अब प्लकिंग नहीं मैंने करवाई हुई, इस वजह से मेरे आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा बुशी से लग रहे हैं। अच्छा भाई, अब ये मत कहना कि भाई बुशी से मतलब मेरा ये था कि मेरी जो है ना प्लकिंग रफ हुई हुई है, और मुझे पता है भाई मेरी प्लकिंग जो है वो तारे हैं तारे, और करवा करवा के ऐसी हो गई हुई हैं। और यहाँ पर जो है हम लेंगे न्यूड शेड, उससे मैं फटाफट सारी मतलब दोनों आईज़ पर न्यूड शेड लगा दूँगी, उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर पर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ डार्क ब्राउन शेड लूँगी, और उसके बाद इनर कॉर्नर पर मैं लगाऊँगी फॉर कलर का शिमर शेड है, बहुत ही अच्छी है क्रीमी सी, वो लगाऊंगी, और फिर उसके बाद लाइनर मस्कारा एंड दैट्स इट। और बहुत ही मतलब कि ग्लोई सा मेकअप होगा, लाइट सा मेकअप होगा, आप इसको डेली मेकअप में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपने डेली मेकअप करती हैं, ऑफिस गोइंग हैं, जॉब करती हैं, तो आप ये मेकअप कर सकती हैं यार, इतना हैवी नहीं है, इतना हैवी मतलब मैंने बहुत ज़्यादा जो है फाउंडेशन अप्लाई कर दिया था, आप थोड़ा सा काम कर लें, बाकी ये सारा आप कर सकती हैं डेली मेकअप में, ये सब कुछ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम आईलाइनर लगाएंगे, तो यहाँ पर जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ ये है मिस रोज़ का। जब मैंने इसको लिया था ना, तो मुझे आपको पता होगा मेरी शुरू वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इसको यूज़ किया, तो मैंने काफ़ी इसकी जो है ना इंसल्ट कर दी थी। असल बात ये थी कि मुझे शायद इतना मोटा पेन मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था, और मुझे इसका यूज़ मैंने किया था लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसका, अच्छा नहीं। अच्छा मैंने जो पहले बोल दिया
सो बोल दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ भाई, ये बहुत अच्छा है, आप लोगों का हाथ सेट होने की देर है, क्योंकि ये बहुत मोटा सा है और आपके हाथ में सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब सेट हो जाएगा तो आप इसे बहुत ही इजीली कंफर्टेबल होकर अब इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले जब पेन आईलाइनर यूज़ किया हुआ तो वो बारीक सा था और बिल्कुल मतलब उस पर हाथ सेट हो गया। ये हाथ सेट होने की भी बहुत बड़ी मतलब कि प्रॉब्लम होती है। अब जेल लाइनर है उसको मैंने मतलब कि एक 5-6 माह के लिए मैंने उसको छोड़ दिया लगाना, मैं दूसरा वाला लगाना शुरू कर दिया था एसेंस का, तो बस मैं एसेंस की फ़ैन हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने ये मिस रोज़ का यूज़ करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत अजीब सा लगा, जब ये हाथ पर सेट बैठ गया मतलब कि सेट हो गया तो फिर मुझे ये भी मतलब। आपको ये देखना है कि आपका आई लाइनर कितना लॉन्ग लास्टिंग है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब आप पूरे दिन में अगर इसको लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं से उतर जाएगा। मतलब आप इसको लगाने के बाद आप अपनी आई लैशेज कर्ल करेंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं कर्ल करूंगी जब, तो तब भी ये उतर जाएगा, मिड से ये हल्का सा लाइट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एसेंस का मुकाबला तो मैं कहती हूँ है ही नहीं है। बहुत अच्छा है एसेंस का लिक्विड आईलाइनर, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अब आ नहीं रहा यार, क्यों नहीं आ रहा। और जेल लाइनर है मेबेलिन का, वो तो भाई कोई प्रो बंदा है ना जो बस वही लगा सकता है, इतना मुश्किल है ना उसको घसीट के लगाना, और लगाते लगाते ही वो ड्राई हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग जो कहती हैं, ब्लॉगर्स कहती हैं भाई वो ड्राई नहीं होता, लेकिन वो होता है, बिल्कुल मत लें। मेबेलिन का जेट ब्लैक आईलाइनर जेल लाइनर है वो बिल्कुल नहीं लें, बिगनर्स के लिए तो वो बड़ा ही फजूल तरीन रहेगा, और मैं कहती हूँ कि ना ही लें। मुझे तो 1500 और 1600 का तब लिया था मैंने, अब उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई हैं, तो 2000 का पड़ जाएगा आपको जब आप उसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह डालेंगे, ऑनलाइन लेंगे तो, मतलब आप मत लीजिएगा। एसेंस बेस्ट है और दी बेस्ट है, एसेंस का लें अगर आता है तो, नहीं तो आप मिस रोज़ का भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। उसके बाद हम लगा रहे हैं एसेंस का ही हीरो वॉल्यूम आई मस्कारा, बहुत अच्छा है ये, आप लोगों ने दूसरी ब्लॉगर्स के भी रिव्यूज़ देखे होंगे, ये है ही अच्छा। इसके सारे के सारे जितने भी हैं ना आई मस्कारास, वो सारे अच्छे हैं। मैंने इसके 3-4 तो यूज़ किए हूँ, एक ब्लू वाला, ये वाला, और एक और पिंक, और मैंने उसके बाद क्या, हाँ वो पिंक और ब्लू, एक मेबेलिन ग्रीन ढक्कन वाला मेबेलिन का, वो भी बहुत अच्छा है। मेबेलिन के भी अच्छे हैं और एसेंस के भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अभी जो है वो हाईलाइटर लगा रही हूँ मैं, कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई सा भी आप हाईलाइटर लगा सकते हैं। और इसके बाद जनाब मैं आपको बताती हूँ कि एक इतनी को मज़े की चीज़ आई हुई है बाज़ार में, अभी नहीं आई, बहुत पहले की आई हुई है, उसको आप एज अ टिंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो लिप बाम है, उसको आप अगर एज अ ब्लशन लगाते हैं तो इतनी को कमाल और ग्लोई सी लुक आती है, बहुत ही प्यारा लगता है। अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, ये देखिए मैं लगा रही हूँ और मैं आपको दिखाया है कि यही कलर, ये कलर बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। इसी को मैं लगाऊंगी चीक्स पर और इसी को मैं लगाऊंगी लिप्स पर और हमारा मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का जो है मेकअप लुक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही नाइस मेकअप लुक है ये, बहुत ही डिसेंट सॉफ्ट सिंपल न्यूड मेकअप कह सकते हैं आप इसको, सिर्फ इसमें लाइनर ही आपको प्रोमिनेंट हो रहा है, बाकी हर चीज़ जो है वो मतलब आप इसको टिकटॉक मेकअप भी कह सकते हैं, आप इसको इंस्टाग्राम का मेकअप भी कह सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कौन कौन सी मिस्टेक लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, अपने फीडबैक लास्ट भी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।